मैं अभी यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैं बोला ना, जब भी मैं लवली के साथ किसी एयरपोर्ट में आता हूँ, कोई ना कोई दिखता है। देख लो, पूरा KKR का प्लेयर, सभी लोग आए हुए हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का मैं शुरुआत कर रहा हूँ मुंबई एयरपोर्ट से। हाँ जी, और अभी मेरा दूसरा फ्लाइट है। अभी जस्ट मैं आया आकाशा एयर से, चेन्नई से मैं मुंबई आया, फिर अभी मुंबई से मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ। मेरा जो फ्लाइट है वो T2 से है और मैं लैंड किया था T1 पे। तो T1 पे एक सर्विस है, फ्री बस सर्विस है, आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है, फिर वो बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट T2 तक ड्रॉप कर देता है। तो अभी एक काम करते हैं, जाते हैं एयरपोर्ट पहले, फिर ये वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, अभी मैं बैठ गया हूँ बस में, और ये जो बस है ना, ये फ्री शटल सर्विस आप बोल सकते हो, लेकिन ये बस कनेक्टिंग फ्लाइट में ही देते हैं। ये किससे भी पूछ लेना, मेरे को T2 जाना है, फ्री बस शटल सर्विस कहाँ से चलता है, कोई भी आपको गाइड कर देगा। तो हाँ, अगर आप T2 जा रहे हो तो फ्री में जा सकते हो। और बस देख लो कुछ ऐसा है, अच्छा बस है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो टिप्स प्लीज। और जो मेरा लगेज रखवा रहा था ना पीछे, उन्होंने बोला भैया चाय कॉफी का पैसा है तो दे दो। एक्चुअली जो मेरा फ्लाइट है ना, वो शाम के 6 बजे है भुवनेश्वर के लिए, फिर भुवनेश्वर रात के 8 बजे तक मैं पहुंचूंगा, वहाँ हमारा स्टे करने का प्लान है। और भुवनेश्वर में कुछ बढ़िया प्लानिंग है, वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पता चलेगा। बाकी बैठे हुए हैं, देखो 10-15 मिनट में हमारा बस निकलेगा यहाँ से। चलो जी, हमारा बस निकल चुका है T2 के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं है बस, हम लोग पहुँचने वाले हैं टर्मिनल 2। और मैंने सुना है ये जो एयरपोर्ट है ना, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2, और ये एयरपोर्ट आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस में या फिर वीडियोस में देखा होगा, काफी सारे सेलिब्रिटीज का फोटो आपने देखा होगा इस एयरपोर्ट में। और ये अपना बस जिससे हम लोग आए, इंटर टर्मिनल कोच सर्विस, ये फ्री सर्विस है, आराम से अपना 200 से 250 रुपया बच गया। मैं भी बोलूँगा अगर आप T1 में हो ना, तो T2 के लिए ये फ्री सर्विस वाला बस ले लो। फिलहाल अभी एयरपोर्ट में पहुँच गए, ID कार्ड दिखा के अंदर जाते हैं, फिर अंदर से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वैसे भाई जो भी बोलो, क्या मस्त एयरपोर्ट है। वैसे बाहर में ऐसा सेल्फ चेक इन का भी काउंटर बना हुआ है ये लाइन से बचने के लिए, लेकिन हमारे पास अभी बहुत टाइम है, इसलिए हम लोग अभी ये काउंटर ही यूज़ कर लेंगे। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, सेल्फ चेक इन काउंटर बहुत अच्छा होता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप आ रहे हो तो यही कर लो। वहाँ ID कार्ड चेक करवा के मैं अंदर आ गया हूँ अभी, और अंदर का देख लो कुछ ये नज़ारा है। मेरा फ्लाइट वैसे अभी शाम के लगभग 6 बजे है, और अभी 1:30 बजा है, लेकिन एक चीज मुझे विस्तारा का अच्छा लगा, विस्तारा ने चेक इन करवा दिया, ये बोर्डिंग पास मिल चुका है हमें। अभी सिक्योरिटी चेक करके जाते हैं अंदर, लाउंजेस वगैरह भी है वो भी दिखाते हैं आपको। फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, और मेरे बैग में ना एक चैन था, ट्रेन में इतना जर्नी होता है ना, तो मैं एक चैन रखता हूँ ताकि लगेज को बांध के रखूँ सीट से। स्पेशली जब मैं विवेक एक्सप्रेस कर रहा था ना, तब मैंने लिया था। देख लो, किसी एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इतने दिन से मेरे बैग में ही था, लेकिन अब मुंबई एयरपोर्ट में प्रॉब्लम हो गया, और लास्ट टाइम आया भी था तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अभी वो चैन रखवा लिया उन्होंने, इसीलिए सिक्योरिटी चेक में थोड़ा टाइम लग गया मेरा। बाकी भाई देखो, ये मुंबई का टर्मिनल 2 क्या खूबसूरत बनाया है। अभी मैं लाउंज जा रहा हूँ, अडानी लाउंज, देखते हैं एक्सेस मिलता है कि नहीं। क्रेडिट कार्ड तो है अपने पास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 से 4 बार यूज कर लिया है, पता नहीं अभी यूज हो भी पाएगा कि नहीं। भाई साहब एयरपोर्ट देखो। ऑलराइट, अभी एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया हूँ मैं, और भाई क्या है ये, गलती से कोई शॉपिंग मॉल में तो नहीं आ गया मैं। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में बताऊँ ना, मैं अभी जब बैंकॉक एयरपोर्ट में था, मलेशिया एयरपोर्ट भी मैं देखा, भाई फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे उससे भी अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा है यार, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, और इस शॉपिंग मॉल बना दिया है यार इन्होंने पूरा। अभी मैंने लाउंज के लिए पता किया, लाउंज मुझे अपने डिपार्चर के 3 घंटा पहले मिलेगा, तो अभी 140 हो रहा है, मुझे 250 में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा फ्लाइट है 550 का। क्या नहीं है भाई, क्या नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया हूँ, लाउंज का एक्सेस मुझे अभी 1 घंटे बाद मिलेगा, और मुझे अभी एडिटिंग भी करना था, तो इसलिए मैं अभी स्टारबक्स में आ गया हूँ, यहाँ का बनाना लोफ केक खाने के लिए। जब भी आते हो ना स्टारबक्स, कुछ खाओ या ना खाओ, बनाना लोफ केक जरूर खाना, एक नंबर होता है। तो वही अभी मैं बैठा हूँ, देख लो, फोन में चार्ज भी नहीं था, फोन को चार्ज भी लगाया हूँ मैं। बाकी एक काम करते, जल्दी से एडिटिंग कर लेते हैं। और एक बात है, मैं अपना टिकट बिजनेस में अपग्रेड करवा रहा था, मुझे काफी अच्छे रेट में मिल रहा था, लेकिन दिक्कत क्या था ना, एक सीट आयल था और एक सीट पीछे का विंडो था, और ऐसे अलग अलग बैठने में मज़ा आता नहीं, तो मैं बोला कि छोड़ो रहने देते हैं, किसी और रूट में मस्त बिजनेस क्लास एक वीडियो भी मिल जाएगा आपको। बाकी कोई नहीं, अपना कॉफ़ी इंजॉय करते हैं अभी। तो देख लो जी, यहाँ पे बैठ के मेरा एडिटिंग चल रहा है, और साथ ही ये मैंने ऑर्डर कर लिया है अपना बनाना केक, मज़ा आता है ये बनाना केक खाकर। और हाँ, मुझे माउस पैड भी नया वाला लेना पड़ेगा, इसका हालत देख रहे हो, खस्ता हो गया है। बाकी कोई नहीं, चलो फटाफट एडिट कर लेते हैं जल्दी से। मैं अभी यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और मैं बोला ना, जब भी मैं लवली के साथ किसी एयरपोर्ट में आता हूँ, कोई ना कोई दिखता है। देख लो, पूरा KKR का प्लेयर, सभी लोग आए हुए हैं, पूरे KKR के टीम मेंबर। ये देख लो, रिंकू सिंह भी एकदम सामने हमारे, इतना बार स्टेडियम गया,
कहाँ कहाँ नहीं गया, बहुत सारे प्लेयर को दूर से वेव करता था कि देख लो कोई, और आज सबके सामने में ही बैठे हुए हैं भाई। तो बस अभी भी चल ही रहा है मेरे वीडियो अपलोडिंग का काम, और देख लो अभी पूरा मुंबई इंडियंस का प्लेयर लोग आया हुआ है, सभी फोटोज वगैरह ले रहे हैं। भाई कुछ भी बोलो, लवली के साथ एयरपोर्ट आने का एक फायदा तो है, मैं अब समझ गया हूँ पूरा। मतलब अब मैं मतलब ये लिख के ले लो, ये मैं नेक्स्ट टाइम भी जाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। जब भी इसके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, कोई ना कोई सेलिब्रिटीज, प्लेयर या फिर कोई ऐसा फेमस पर्सन दिखते ही दिखता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अभी देख लो बहुत सारे मुंबई के प्लेयर आ रहे हैं, ये सब बड़े बड़े प्लेयर है इसीलिए इतना सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं। देख लो अभी सूर्य कुमार सब को ही है, देख लो पोलार्ड, भाई साहब पूरा मुंबई के प्लेयर को, पूरे कोलकाता का प्लेयर को एक बार में देख लिया, वो भी सामने से। बहुत ऑप्शन था सामने में खड़े होकर फोटोज लेने का, बट हाँ बहुत भीड़ लगा हुआ था इसलिए लिया नहीं मैं। तो अपना जो केकेआर टीम है ना वो दिल्ली वाले फ्लाइट में सभी गए, मुंबई की टीम पता नहीं कौन से फ्लाइट में गए। मजा आ गया आज तो, मैं बता रहा हूँ ना इतने बार मैं स्टेडियम गया हूँ कभी किसी प्लेयर से इतने करीब से नहीं मिला, मतलब लिटरली यार सब पास में बैठ के कॉफी पी रहे थे, सोचो इतने करीब से सबसे मिला मैं। वैसे मेरा प्लान था यहाँ का लाउंज आपको दिखाऊंगा, जो कि अडानी लाउंज है, दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से, लेकिन बाहर में अपना इतना अच्छा टाइम पास हो गया यार। मतलब स्पेशल एयरपोर्ट है मुंबई मेरे लिए, हमेशा स्पेशल एयरपोर्ट रहता है, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। देखेंगे अगर 5 मिनट के लिए भी टाइम होगा तो चले जाएंगे अडानी लाउंज। तो ये अडानी लाउंज है, अंदर से तो भाई क्या ही प्रीमियम लग रहा है, देखेंगे 5 या 10 मिनट के लिए अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे अच्छे से, अभी फिलहाल थोड़ा घूम लेते हैं एयरपोर्ट। ऑलराइट अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 4:22 हो रहा है, 5:05 का हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा। बस आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये लाउंज का एक्सेस लिया है, टोटल मेरे को 27 रुपीज लगा। ये अडानी लाउंज में फर्स्ट टाइम मेरे बोर्डिंग पास पे स्टैंप लग गया है। ओ भाई साहब कितना बड़ा लाउंज है यार, अंदर तो बहुत जगह है लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। देख लो भाई लाउंज अंदर से काफी बड़ा है, और खाने का ऑप्शन भी मुझे बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पूरा बूफे लगा हुआ है देख लो, ये पूरा लाइन से इधर तक, ये तो लग रहा है किसी 5-स्टार होटल का वो जो बूफे लगता है ना लंच बूफे, वैसा लग रहा है। बहुत कुछ एक काम करते हैं, प्लेट में लेते हैं फिर टेबल पे जाके दिखाते हैं। भाई बहुत सारा ऑप्शन है, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा क्या खाऊं या क्या नहीं खाऊं। ऑलराइट तो देख लो हम लोग ये आ गए हैं अपना आज लंच लेकर, टाइम बहुत कम है, फटाफट खाकर भागना है हमें, और ऑप्शन तो भाई साहब बहुत सारा ऑप्शन था, बट देखना है टेस्ट कैसा है, क्योंकि ऑप्शन होने से नहीं होता है, टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, और देखकर अच्छा लग रहा है वैसे। क्योंकि अपना जो कोलकाता एयरपोर्ट का लाउंज है ना भाई, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वहाँ का, बहुत लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाया है, स्पेशली वहाँ का जो सॉसेजेस होता है भाई, बट देखते हैं ये खाना कैसा है, खा लेते हैं फिर आपको बता देंगे खाना कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने इनका खाना ट्राई किया, ये जो पुलाव है ना बहुत अच्छा लग रहा है, हैदराबादी बिरयानी भी है, ये ठीक ठाक सा है, ये कुछ इडली है, इडली में वो पोड़ी मसाला लगाकर इन्होंने दिया है, काफी अच्छा लग रहा है ये भी। बाकी मैडम भी देखो पुलाव लेकर आई है, फ्लैट नूडल्स है, चिकन सैंडविच है, बहुत कुछ है। खाना भाई अच्छा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ खाना बहुत अच्छा है, इतना भीड़ होने के बावजूद भी खाने के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। खाना तो नो डाउट इस लाउंज का बहुत अच्छा है, कैसा लगा खाना? ऑरेंज जूस काफ़ी बढ़िया था। और अभी मैं एक काम करता हूँ ना, अभी मैं अडानी लाउंज का ये वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ इनका वाईफाई स्पीड कैसा है। लॉग इन करने के लिए तो नहीं आ रहा है, मे बी कनेक्ट हो गया क्या, चलो अभी चेक करते हैं मुंबई के अडानी लाउंज में यहाँ का जो वाईफाई स्पीड है कैसा है। नॉट बैड नॉट बैड, सही है यार, जबकि इतने लोग हैं और कोई पासवर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। ओ भाई साहब ये अपलोड स्पीड देखो भाई साहब, भाई अगर वीडियो अपलोड करना है ना, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है 1 या 2 रुपए डिडक्ट होगा आपके कार्ड से, आ जाओ अंदर वीडियो वगैरह अपलोड करना है करो, मस्त इंटरनेट ब्राउजिंग करो भाई, एक बार अपलोड स्पीड देखो। मैं कहाँ परेशान हो रहा था स्टारबक्स में बैठकर, यहाँ रहता तो 1 मिनट में मेरा वीडियो अपलोड होता। 197 Mbps भाई साहब ये स्पीड देख लो भाई, स्पीड तो अच्छा मिलता है आपको इंटरनेट स्पीड, खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। और ये ऑरेंज जूस, मैं खाना में अपना जूस वगैरह नहीं लेता हूँ, ये जो ऑरेंज जूस है ना बहुत बढ़िया है। और ये एक चना चाट जैसा है, मतलब चना है उसके ऊपर कुछ चाट जैसा बनाया हुआ है, ये भी मेरे को बहुत सही लगा। और जैसे क्या होता है ना, कोई भी खाकर उठ रहा है तुरंत वो क्लीन करके चले जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, एक बार सीट खाली हो रहा है फिर भर जा रहा है। ये लाउंज में आना वर्थ था, अगर आप भी मुंबई के टर्मिनल 2 में हो तो अडानी लाउंज एक बार विजिट करके देखो, बढ़िया है। अगर आपके पास अच्छा क्रेडिट कार्ड है तो 2 रुपए में आपका काम हो जाएगा, 2 रुपए के लिए तो भाई क्या ही मैं वर्थ बोलूंगा, 2 रुपए में अगर वो एक ब्रेड भी दे देंगे वही बहुत है, और वो भी इतना डिलीशियस खाना, इतना अच्छा इंटरनेट। मेरा प्लान था यहाँ बैठकर खाना खाने का, यहाँ से देख लो कुछ ऐसा नजारा है, और हर जगह ऐसा देख लो चार्जिंग सॉकेट भी बना हुआ है, जो कि रहता ही है ऐसा।
और यहाँ पे बार काउंटर भी है भाई। अडानी लाउंज से निकलने के बाद अभी आ गया हूँ मैं अपने गेट के पास जो कि 45D नीचे की तरफ है। भाई नीचे की तरफ भी इतना कमाल का एयरपोर्ट बनाया है ना। नहीं तो होता क्या है ना कि नीचे की तरफ वो थोड़ा फीका फीका सा एयरपोर्ट होता है, सारा जो मेन बाजार होता है ऊपर ही होता है, लेकिन नीचे में भी काफी मस्त बनाया हुआ है। और अपना बोर्डिंग टाइम ऑलरेडी हो गया है क्योंकि 5:10 का था, हम लोग लाउंज में थे। चलो ये बेस्ट टाइम है, लाउंज में अपना टाइम स्पेंड हो गया, अब एक ही बार जाके फ्लाइट के अंदर।